मित्रों, रेने डेस्करेट्स ने कहा है, अच्छा माइंड होना काफी नहीं है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप उसे कैसे यूज करते हैं। और अगर आप एक स्टार्टअप या बिजनेस खोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगता है कैसे हम अपना यूजर बेस को बढ़ाएं, जिसकी हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। और अल्टीमेटली यूजर बेस के लिए ही तो हम स्टार्टअप या बिजनेस को लॉन्च करते हैं, और आपके जो गोल्स हैं वो उसी से ही कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन आज जेन ज़ी के दौर में स्टार्टअप्स नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं अपना यूजर बेस बनाने के लिए, और ये सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म काफी अच्छे से कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला आखिर ये क्या करते हैं जो इतनी तेजी से अपना यूजर बेस बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक ग्रो की जर्नी को, जिसने 1,00,000 सब्सक्राइबर बेस को 50,00,000 यूजर बेस में कन्वर्ट किया मात्र 15 महीनों के अंदर। ये भी जानेंगे क्या चैलेंजेस आए और किस रीजन की वजह से इतनी जल्दी ये यूजर बेस बनाने में कामयाब रहे, क्योंकि सोशल ट्रेडिंग एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है और इसका इनिशियल अडॉप्शन और यूजर्स को स्टिक रखने में भी एक क्रिटिकल बिजनेस बनाता है। लेकिन एक बिजनेस है जो क्रिटिकल नहीं है आपके लिए, वो है बिजी फंडा के साथ जुड़ना और एक बिजी फैमिली का हिस्सा बनना। उसके लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन दबा देना, और अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं बिजनेस और मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर तो थैंक्स का बटन भी नीचे ही है, लेकिन वो ऑप्शनल है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमको समझने में मदद करेगा कि कैसे यूजर बेस इनका बढ़ता है। इंडिया अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 में एक्सपीरियंस कर चुका है 10.7 मिलियन यूजर बेस इंक्रीज स्टॉक मार्केट के अंदर, और ये बात सभी जानते होंगे और हम ये भी जानते हैं क्यों और किसको इससे फायदा होता है। लेकिन स्टॉक ग्रो की कहानी अलग है। वो एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां सोशल कंपटीशन होते हैं, जहां वर्चुअल मनी के द्वारा यूजर्स को हेल्प की जाती है उनके बिजनेस और स्टॉक ट्रेडिंग में कैसे उनको मदद दिलाई जाए और नॉलेज दी जाए। मजे की बात यह है, ये स्टार्टअप इनिशियली ऑफलाइन अडॉप्टेड है और अपनी मार्केटिंग को भी ये ऑफलाइन करके बस क्रिएट करते हैं, वो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो ये सिर्फ एक हिंट है वेबिनार्स और सेमिनार्स टॉप 20 स्कूल्स के अंदर, जहाँ पर ये कंपटीशन रखवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं और वर्चुअल मनी के साथ अपना यूजर बेस बढ़ाते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात है, मनी मेकिंग जो है वो सीरियस बिजनेस है, और उस मनी को मैनेज करना और फाइनेंशियल नॉलेज से ग्रो करना और भी ज्यादा मुश्किल है और जरूरी भी है। अक्सर लाइफ में चीजें अनलिमिटेड कम पैसे में और कम टाइम में रेयर ही मिलती हैं। कभी आपने सोचा ही होगा कि ये फाइनेंशियल नॉलेज, मोटिवेशन, बिजनेस इन्फॉर्मेशन अगर एक जगह पे अनलिमिटेड मिल जाए और आपको गाइडेंस दी जाए तो आपका कितना टाइम और पैसा बच जाता। अपनी लाइफ को बदलने का पावर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से ही आ सकता है, लेकिन अक्सर हम अपने लिए वो स्टेप उठाने में वक्त गवा देते हैं। मोस्टली लोग अपने आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करते और अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करना है इसकी नॉलेज नहीं जानते। यहीं पर कुकू FM लाया है इसका सॉल्यूशन, मैसिव लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज। लेट्स बिल्ड अ कंपनी बुक की समरी सुने, आपको ये सारी बातें जानने को मिलेगी। अगर आप भी एक अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो क्यूक्यूब्स की ये कहानी आपकी मेंटर बन सकती है। और बाकी के ऑडियो शोज जैसे द लीन स्टार्टअप और हैकिंग ग्रोथ, वो तो हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए, जिससे आप बिजनेस को समझ सकें और उसको स्केल कर सकें। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि कुकू FM लाया है एक मैसिव 50% डिस्काउंट, जहां पर 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 199 में। लेकिन जल्दी कीजिएगा, 31 मई तक ही ये ऑफर सीमित है। अब इस वक्त को मत गवाना और अनलिमिटेड नॉलेज पाना। सुनो अनलिमिटेड, कुकू FM का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, और कूपन कोड सुनो 50 का इस्तेमाल करना मत भूलना। लेकिन यहाँ एक कैच भी आता है, इंडिया सिर्फ 3.7% पॉपुलेशन है जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करती है स्टॉक डिपॉजिटरी डेटा के हिसाब से, और उसका एक बड़ा रीजन है हमारा एजुकेशन सिस्टम और फैमिली वैल्यूज, जो सेविंग मनी को इन्वेस्टिंग मनी से ऊपर रखती है। और वहीं स्टॉक ग्रो जो है वो एक सोशल सिमुलेशन ऐप है जो गेमिफाइड तरीके से रियल लाइफ स्टॉक मार्केट को रेप्लिकेट करता है और आपको एक्सपीरियंस देता है, और रियल लाइफ ट्रेड की वजह से एजुकेशन और नॉलेज मिलने के चांसेस जो है वो जेन ज़ी को सपोर्ट ज्यादा करते हैं। लेकिन सिर्फ माइंडसेट ही एकमात्र रीजन नहीं है, इंडिया की जेन ज़ी इन्वेस्ट करना चाहती है, इन्वेस्ट सीखना चाहती है और खुद DIY वेल्थ क्रिएट करना चाहती है। लेकिन ये कमबख्त वॉलेटाइल मार्केट भी उनके कदमों को पीछे कर लेती है, और इसी वजह से स्टॉक ग्रो का मिशन बना इन्वेस्टमेंट रेडी कैसे किया जाए एक नई एज को। तो सवाल आता है क्यों इतना ज्यादा यूज होता है ये सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। उसका पहला रीजन आता है गेमिफिकेशन, जो उसका सबसे बड़ा रीजन में से एक है, जहां पोटेंशियल इन्वेस्टर्स न केवल मुश्किल चीज सीखते हैं बल्कि लूजिंग मनी का जो फोमो रहता है उसको एक्सपेरिमेंट करना जीरो रिस्क एनवायरनमेंट में स्टॉक सीखने के लिए बड़ा आसान बना देता है, जिससे वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो स्टॉक ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएं और वर्चुअल पोर्टफोलियो में रियल वर्ल्ड डेटा के साथ उसके ऊपर काम करें और रियल मनी को लें। ये बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, वर्चुअल मनी से रियल मनी सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। और इसके साथ साथ यूजर जो है वो वीकली, मंथली या
ईयरली गेमिफाइड स्टॉक को वर्चुअल मनी से गेन या लूज कर सकता है तो उसकी स्किल एनहांसमेंट बहुत तेजी से होती है जो आप रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते। और आपका पोर्टफोलियो जैसे जैसे ऊपर जाता है आप एलिजिबल होते जाते हैं रिवॉर्ड मनी के लिए। तो इसी से हमारा दूसरा तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया वो था नॉलेज एंड रिवॉर्ड। ये एक और क्राइटेरिया है जो ऐसी साइट्स और एप्स को यूजर बेस बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन आता है कि रिसेंटली कंपनीज ने सोशल कंपोनेंट जोड़ा है अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जिससे यूजर कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक और दिमाग में बात आती है कि ज़ेरोधा ग्रो इनके भी तो सोशल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर भी स्टॉक ग्रो कैसे 50 लाख तक पहुंचा और वो भी सिर्फ 15 महीनों में। उसके पीछे कमाल की स्ट्रेटजी है, आइए जानते हैं। स्टॉक ग्रो से पहले लखोतिया जो कि फाउंडर है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर रहे 12 साल और 2018 में फॉसुंग आरएस कैपिटल के साथ पार्टनरशिप के बाद बिल्ड कर रहे थे वो इक्विटी फोकस्ड वेंचर रेगुलर लोगों के लिए जिससे उन्हें हेल्प मिल सकते हैं इन्वेस्टिंग में ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें स्टॉक मार्केट के ऊपर। और जब उन्होंने रिसर्च करी तो एक शॉकिंग बात पता चली कि सोशल सर्कल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए। और सोचा इसे एक सिमुलेशन गेम बनाया जाए इन्वेस्टमेंट लिटरेसी के लिए और मनी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। स्टॉक ग्रो यहाँ पर इन्वाइट ओनली प्लेटफॉर्म के रूप में चालू हुआ था और ये स्ट्रेटेजी उनकी सबसे बेस्ट साबित हुई। वैसे क्यों करनी चाहिए आपको ये इन्वाइट ओनली, इसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया। इस इन्वाइट ओनली स्ट्रेटेजी के पास 400 का यूजर बेस बन चुका था हफ्ते भर में। लेकिन इसका पिलर था और रहेगा स्टॉक मार्केट की नॉलेज, गेम टारगेटिंग यंग लोगों को, एंगेजमेंट ड्रिवन कम्युनिटी बनाना जो सिर्फ स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट के लिए ही होगा। इन्होंने मार्केटिंग का बड़ा अच्छा अप्रोच लिया, ना इन्होंने फेसबुक की मदद ली ना गूगल की, यहाँ पर ये सबसे अलग ही काम करते हैं। आइए जानते हैं। ये गए कंपनी के 20 स्कूल्स में और वहाँ जाके उन्होंने अपना यूजर बेस बनाया। जहाँ वो कॉम्पिटिशन अरेंज करते थे उसके लिए पार्टिसिपेंट्स को एनरोल करना पड़ता था इनके ऐप या साइट के ऊपर। और इसके साथ तकरीबन 250 कॉलेजेस और 20 स्कूल्स में इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाए अपने कॉम्पिटिशन, जिससे रियल मनी का भी एक जो स्कोप था और ज्यादा बढ़ गया। और देखते ही देखते एक ही साल एक ही महीने के अंदर 1 मिलियन डाउनलोड तक ये पहुंच गए। और अपना पहला एड कैंपेन चलाया था इन्होंने हॉटस्टार आईपीएल के दौरान 2021 में। बिना प्रैक्टिस के कूदोगे तो डूबोगे ही। स्टॉक मार्केट में बनना है ब्रो तो स्टॉक ग्रो पर ट्रायल कर ले ब्रो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नो जुगाड़, ट्रेडिंग सीखना है तो स्टॉक ग्रो करो यार। और इसी के साथ अपना सोशल मीडिया चैनल्स जो थे वो मिलेनियल्स के लिए बनाते बढ़ाते चले गए, जिससे माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन भी बेहतर होने लगा और उन्हें ऐड भी मिलने लगी क्योंकि इनका गेमिफाइड एक्सपीरियंस था और 80% के रेट से आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसा तो है नहीं कि इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, जी बिल्कुल आए, चैलेंज आए इनके पास। सबसे बड़ा चैलेंज था UI/UX का कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पर ये कम्युनिटी भी बनाना चाहते हैं और रियल रेप्लिकेट भी करना था। तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही डिजाइन में इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वो सॉर्ट आउट हुई। तो दूसरी प्रॉब्लम थी गेमिफाइड कम्युनिटी कैसे बनाई जाए और कोई गेमिफाइड कम्युनिटी के लिए क्यों सब्सक्रिप्शन देगा। तो वहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फ्रीमियम मॉडल को, 10 लाख का वर्थ स्टॉक ग्रो कैश आपको मिलता था अगर आप पोर्टफोलियो अच्छा बनाते थे। और जो स्टॉक ग्रो के जो कैश थे उससे आप इन ऐप परचेजेस कर सकते थे जो आपके पोर्टफोलियो को और अच्छा बनाता था। और इनका रेवेन्यू मॉडल यहीं खत्म नहीं होता, उन्होंने CA इंस्टीट्यूट्स में होने वाले वेबिनार्स को लॉन्च किया और वहां से उन्होंने 21 लाख लोगों को पहुंचाया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक इन्वेस्टमेंट नॉलेज दी। कंपनियां फोरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी आने वाली है या आ चुकी है, कमेंट करके जरूर बताना आप स्टॉक ग्रो को यूज करेंगे कि नहीं वो भी बताना। लेकिन इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, बिजनेस के ऊपर नॉलेज आपको हिंदी ऑडियो बुक्स के साथ डिफरेंट कैटेगरीज में फिक्शन और नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स में आपको Kuku FM पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में अपने पहले 1000 कस्टमर्स कोई भी कंपनी कैसे लेती है वो वीडियो मिल जाएगा और राइट वाली वीडियो में अब तक का लेटेस्ट वीडियो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए Be busy.